तो फाइनली हमें अपना प्रोडक्ट रिसीव हुआ है अमेज़ॉन से। ये बेसिकली एक लाइट है गोप्रो के लिए, जो कि लाइट मोड आता है उसका अल्टरनेटिव है जुलैनजी की तरफ से। तो इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। इसमें कुछ बिल है, प्रोडक्ट की जानकारी। तो ये रहा मेरा जुलैनजी का लाइट। बेसिकली ये ओपन बॉक्स लग रहा है, ठीक से पैकिंग नहीं है, अदरवाइज़ यहाँ पे स्टिकर लगा होता है। पर ठीक है, इसको टेस्ट कर लेते हैं। ये V49 वर्जन है, ओपन है ये, क्योंकि मैंने पुराना यूलैंजी का बॉक्स ख़रीदा था, ये सील्ड पैक था, बट ये ओपन है। और इसे चेक कर लेते हैं। तो ये तो केबल दिया हुआ है और इसमें जेल है और ये यूलैंजी का स्टिकर है। बेसिकली कोई डिफ्यूज़र नहीं है इसमें अलग से दिया हुआ, एक लाइट डिफ्यूज़र भी आता है। यहाँ से ये क्लोज है, तो हम इसे निकाल के चेक कर लेते हैं। सो ये रहा, इसमें ऑलरेडी डिफ्यूज़र एक लगा हुआ है लाइट को रोकने के लिए, बट अदरवाइज़ LED डिफ्यूज़र आते हैं। तो ये है फाइनल प्रोडक्ट जुलैनजी की तरफ से। वारंटी कार्ड मिला, बट इंडिया में तो वारंटी है नहीं। तो अब इस लाइट को चेक कर लेते हैं। ये जुलैनजी का नया वर्जन है कार्ड का, इसे ऑन कर लेते हैं। सो वाओ, यू कैन सी किस हद तक इसकी ब्राइटनेस तेज हो रखी है। काफ़ी अच्छी लाइट है ये, आप देख सकते हो। इसको रिकॉर्डिंग में कहीं से भी अगर हम डालें तो अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। वाओ, इसकी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं हम। सो ये मैक्सिमम ब्राइटनेस है। अगर मैं इसको अपने वीडियो के पीछे ले आऊँ तो आप देख सकते हो कि कितनी तगड़ी ब्राइट ये जल रही है LED। और इसको लो कर सकते हैं। इसमें एक मोड भी दिया हुआ है, इस मोड से क्या होता है। सो ये बेसिकली ऑफ हो गया। इस मोड से तो कुछ से दिख नहीं रहा, बट ये प्योर वाइट लाइट है, ये RGB लाइट नहीं है, ये प्योर वाइट लाइट है। सॉफ्ट लाइट है ये, आप देख सकते हो इसका यूज़। तो हम बाद में RGB में भी अपग्रेड करेंगे। और ये रहा मेरा GoPro। तो अब हम इसमें फिक्स करके देखेंगे। ये जुलैनजी का ही मैंने लिया हुआ था, तो इसमें ये सॉफ्ट माउंट दिया हुआ है। इसको थोड़ा टाइट फिक्स कर लेते हैं। तो ये इसके कोल्ड शू माउंट में लग गया है, तो ये कुछ इस तरह से लगेगा। तो ये आपका लाइट लग गया। और इसमें हम बाद में चल के अपना माइक भी लगा सकते हैं इधर साइड में, जैसे ये दिया हुआ है, क्योंकि अब इसमें कोई माउंट नहीं है। हालांकि अब जो नया जुलैनजी का सेटअप आता है GoPro 9, 10 और 11 के लिए, उसमें यहाँ पे भी एक डबल माउंट दिया होता है उसके केस में, ताकि आप एक माइक लगा लो। हालांकि अगर आपके पास माइक नहीं है, तो ये जुलैनजी का ये जो LED है, इसमें 3 कोल्ड शू माउंट दिए हैं, आप देख सकते हो 3 कोल्ड शू माउंट है। तो आप इसमें माइक फिक्स कर सकते हो। सो मेरे पास बेसिकली रोड का वायरलेस GoTo है, तो मैं उसका रिसीवर यहाँ लगा सकता हूँ। तो आप देख सकते हो ये LED लाइट को, अगर हम इसे ऑन कर लें तो
बढ़िया ब्राइटनेस, फुल ब्राइटनेस अगर हम करते, वाह बेस्ट लाइट है ये अब तक के लिए। तो इसे मैं DSLR पे भी यूज़ कर सकता हूँ, सो ये बेस्ट लाइट है व्लॉगिंग के लिए, या DSLR के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। बट ये फ्लैश लाइट नहीं है, ये सिंपली सॉफ्ट बॉक्स लाइट है जो कि नाइट व्लॉगिंग करने के लिए यूज़फुल है। आप इसे फ्लैश मत समझ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।